लंगारोस पुलिस ने चैन उड़ा ले जाने वाली टोली को बेनकाब करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा तिलाई चैन, सेलफोन और एक गाड़ी को बरामद किया है। लंगारोस पुलिस ने चैन उड़ा ले जाने वाले सायखीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तिलाई चैन, सेलफोन और एक मसरूखा गाड़ी को बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि 22 साल मोहम्मद इमरान साकिन अहमदनगर फसलानसर, 19 साल मोहम्मद फैसल साकिन सैयदनगर फसलानसर, 24 साल मोहम्मद अजीज अहमद अहमदनगर को CCTV कैमरे की मदद से सारिकीन की शिनाख्त की गई और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। चुनाचे तमाम सारिकीन ने सरखा करने का एतराफ किया। ताहम पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूखा तिलाई चैन, सेलफोन और मोटर गाड़ी को बरामद किया है। बाद अजां तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया। एक रिसीवर है, ये लिफ्ट वाला इमरान है, जान बोलते हैं, फसलान में रहता है, और ये बीच वाला फैसल उसका दोस्त है। ये इमरान पुराना अफेंडर है, पुराना स्नैचर है और घर कोड़ी भी है। तो से पहले तो स्नैचिंग केसेस, दो घर कोड़ी केसेस करा, तो 2015 में इसको PDI में डिटेन करे। वो पुराने केसेस जो स्नैचिंग केसेस हुए वो केस में ट्रायल में है, उन्हें 2015 में छुटा उसका साथी है, दोनों लेके मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। घूमते घूमते गचीपुर भी जाके एक बैच नाच करे, मान लीजिए एक लेडी आईटी सेक्टर में जो लेडी काम करती है, बस के लिए या फिर लेडी के रोड क्रॉस करने, तो गचीपुर लिमिट से बैच नाच कर लिया। उसमें मोबाइल फोन का भी डॉक्यूमेंट फेंक दिया, मोबाइल फोन का डिटेल था उसके हाथ में लगाया। और परसों 12 तारीख के दिन असुनातापुर के एक सप्तगिरी कॉलोनी में सुरंदापुर की एक वुमन है, 50 साल की वुमन है, वो माने के बाद हमेशा वही करते हैं उसके साथ में। तो सुबह एज यूजल 5:30 बजे आके वॉकिंग कर रहे हैं, उनके साथ वाले जो भी वॉकिंग कर रहे थे और आगे निकल गए। तो वहाँ पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल पर था, जो पेट्रोलिंग कर रहा था गिरी कार, तो ये लोग कहीं ने क्या करा, फंडर इमरान और फैसल दोनों मोटरसाइकिल पे एक राउंड मारे, देख लिए लोग थे और 5 मिनट वेट करा, तो जो भी थे उनके वो सुनंदा के साथ में वहाँ चले गए। नवरे गांड पर देखा तो लेडी अकेली है और एक लेडी और एक राउंड मारने वॉक कर रही थी, तो उन्होंने पैसे गाड़ी लेके पीछे रुका, इमरान आके उनके सामने जाके उनके फेस सिकरा, खींच के लेके भाग गया, भाग के भाग रहा। तो पूरा हर एक जगह हर एक रोड CCTV कैमरा से कनेक्ट है, तो वहाँ से भाग इमीडिएट वो मंगलसूत्र का मामला है। तो सुनंदा मैडम हुई इमीडिएट पुलिस इंस्पेक्टर अंजय लंगर हाउस केस रजिस्टर करे, रावण केस रजिस्टर करे, नाचिक केस, और अपने क्राइम टीम को लेके उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करे इमीडिएट, और CCTV कैमरा चेक करे। तो इमरान में क्लियर मालूम हुआ कि पुराना अफेंडर है, उन्हें इमरान मिलकर दिख गया, उसने इंडिया कह दिया उसको पुराना अफेंडर है, वो मोटरसाइकिल का थोड़ा नंबर वो नहीं आ रहा था, तो इमीडिएट अलर्ट कर दिया हम टीम के लिए, पूरा उमानगर पुलिस को क्राइम वालों को अलर्ट करे, रास्ते वालों का मदद लिए और चेस करके इसको कल इमरान को और फैसल को नगर भंडारा चौरसे में वेहिकल के साथ अरेस्ट कर दिया। उसको अरेस्ट में उन्हें कबूल करा, स्नैचिंग बोल के एडमिट करा, मोटरसाइकिल का भी साहिबाज मिनट में चोरी कर बोल के एडमिट करा, वो भी सीज करे, वो बैग भी सीज करे, फोन निकला उसमें वो भी सीज करे था, पुलिस कर रही है इसका। और ये रहा कि ये जो है ये मंगलसूत्र में ये पूरा 3.5 तोले का ही है, जाके 30,000 रुपये भेज दिया, अजीज अहमद है उसका दोस्त है, बेच लिया जो खरीदना, ये मंगलसूत्र ही है, जनरली का एक मोस्ट अश्विशन रहता है, प्रोसीजर रहता है औरतों के लिए, औरत बहुत हुई इसके बारे में, तो उन्हें खरीद लिया, तो उन्हें जाके उसके बाद सीज करे, 30,000 में लिया है पूरा, 1,00,000 रुपये का आइटम 30,000 में ले लिया, उसको अरेस्ट करिए। उनको वार्निंग है, जो भी रिसीवर्स रहे थे, जो भी लाइसेंस रिसीवर्स रहे थे, जो इलीगल रहे थे विजुअल लाइसेंस, उनको वार्निंग है, जो भी खरीदेगा कुछ भी आइटम खरीदेगा उनको उनके साथ में रिमांड कराएंगे, उनके साथ में सिफ्ट एक्शन लेंगे। ये अपना एडवाइस ये है, हर एक काली में जा भी CCTV कैमरा नहीं है, वो CCTV कैमरा लगाना, ये सिर्फ CCTV कैमराज के हेल्प से इसको हम आइडेंटिफाई करें और अरेस्ट करें। ये CCTV कैमराज का एडवांटेज है, जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए काम करता है और डिटेंशन के लिए काम करता है, पूरे
जो भी माने पर जाते हैं, जो भी लोग आगे जाके जाते हैं, हर एक मोहल्ला, हर एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, जो भी मीडियम रेंज में जो भी कैमरा रहते हैं, अच्छे कैमरा रहते हैं, हर एक घरों में लगाना चाहिए और ये क्राइम प्रिवेंशन के लिए हेल्प करता हूँ पूरे। और एक बार ये इमरान ये डान बोलते डान अभी पूरा लापर हो गया, ये तो बिल्कुल सोसाइटी में रहने के काबिल तो नहीं है, नहीं दिख रहा है। एक बार मीडिया में जाके आया, सेम हरकत कर रहा हूँ, कुत्ते की तुम वैसी होती किधर भी करो, फिर मीडिया में डालने वाले इसको कमिश्नर साहब को डीसी साहब के थ्रू प्रपोजल लगा के फिर इसको मीडिया में डालने वाले हैं। और जो भी रिसीवर्स रहते हैं, इनको मदद करते हैं, उनके ऊपर भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर रिसीवर एक बार, दो बार, तीन बार आइटम कर देंगे तो रिसीवर्स में मीडिया में लगा देंगे।